सो लास्ट वीडियो में हमने लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस वर्सेस लैम्डा एक्सप्रेशन देखा। और एक टॉपिक और रह गया उसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन विद कलेक्शन। ये मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा उस पर। तो आज हम देखेंगे डिफॉल्ट मेथड इन जावा 1.8। क्या है डिफॉल्ट मेथड? ठीक है, डिफॉल्ट मेथड एक तो ठीक है। डिफॉल्ट मेथड, अभी मेरे को यहाँ पर लाइन सेफ शॉर्ट शॉर्ट टेबल अटैचमेंट फाइल सीट निमंशल पिक्चर पेज टेम्पलेट अकेडमिक सिंपल लेक्चर नोट्स, ये जरूरत नहीं है। इसको डिलीट करता हूँ, ये जरूरत है। तो बढ़िया सा हो तो उसको पहले टाइम को टेम्पलेट पेज टेम्पलेट बिजनेस लेटर थ्री। चलो छोड़, ठीक है अपन ऐसे देख लेते हैं यार। तो आज टॉपिक है डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड जैसा आपको पता होगा, जावा 8 में डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस करा था। उसके पहले डिफॉल्ट मेथड था नहीं, और डिफॉल्ट मेथड ही वो जो था इंटरफेस में। डिफॉल्ट मेथड मेथड इनसाइड इंटरफेस, ठीक है। इनसाइड इंटरफेस वी कैन यूज अ डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इनसाइड द इंटरफेस बाय डिफॉल्ट, तो कोई भी मेथड हम डिक्लेयर करते हैं तो वो स्टैटिक, ठीक है, फाइनल और पब्लिक। पब्लिक होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है इंटरफेस के अंदर, इनसाइड द इंटरफेस, ठीक है। इनसाइड द इंटरफेस एवरी मेथड बाय डिफॉल्ट इज पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अगर आप डिक्लेयर करो तब भी ठीक है, नहीं डिक्लेयर करो तब भी ठीक है। आगे समझ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटरफेस ही है वेरिएबल, ठीक है। एंड मेथड, सॉरी, और मेथड है जैसे अब्स्ट्रैक्ट डायरेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। पब्लिक ये बाय डिफॉल्ट होता है मेथड इनसाइड द इंटरफेस, ठीक। ये दो चीजें पता लग गई। पहली चीज क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जब कोई भी वेरिएबल होता है उसे हम डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, तो वो जैसे हमने अगर एक इंटर बनाया है इंटरफेस ITR, ठीक है, तो अगर मैंने इंट डाला इंट a=10 सपोज, ये मैंने बना दिया इंटरफेस, ठीक है। तो इसके बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल के पास
स्टैटिक, पब्लिक, पब्लिक फर्स्ट, स्टैटिक, फाइनल, कंपाइलर ये इतना ऐड कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, कब तक? ठीक है, जावा 1.7 ऑनवर्ड्स। ठीक, उसके बाद इसके अंदर मेथड डिक्लेयर कर दो, कोई भी पब्लिक होता है, पब्लिक और कुछ भी, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आता है, अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होता है अब्स्ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मेथड होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, M1 लाइक समथिंग समथिंग, यू कैन डिक्लेयर लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया इसका। लेकिन मैंने बता ही दिया उसके बाद, लेकिन जब जावा 8 1.8 आया तो उन्होंने डिफॉल्ट मेथड भी ऐड कर दिया इसमें, जावा 8 ऑनवर्ड्स, जावा 1.8 के साथ इन्होंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट ऐड कर दिया, डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड। तो ये डिफॉल्ट मेथड क्या है? डिफॉल्ट मेथड एक कंक्रीट मेथड है। आप अगर डिफॉल्ट मेथड डालोगे तो उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने बनाया एक इंटर स्पेस, लाइक ITN इंटर, ना मैंने डाला डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट वाइड रिटर्न टाइप, डिफॉल्ट वाइड M1। ठीक है, बनाया, इसके अंदर मैं डालूंगा SOP, सपोज हेलो। अभी ये सब मैं आपको आईडी में करके बताऊंगा, बस थोड़ा सा थ्योरी बता दूं। ठीक है, ये बन गया, ये हो गया डिफॉल्ट मेथड का, हो गया सिस्टम। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट कह दिया, तो हम कीवर्ड यूज करते हैं डिफॉल्ट, ये कीवर्ड है ये वाला, समझ आ रहा? डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करा तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये डिफॉल्ट मेथड है। उसके बाद जो डिफॉल्ट मेथड होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट सारी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस इंटरफेस होती हैं उसमें अवेलेबल होता है, बाय डिफॉल्ट हमें उसको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट हम उसको कॉल करा सकते हैं। जैसे 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 एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे एक क्लास मान लो आप, मैंने वही ऊपर बना दी एक इंटरफेस, इंटरफेस ITR TR बना दिया, और एक मेथड बना दिया मैंने डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड वाइड टाइप, रिटर्न टाइप वाइड, M1 मेथड बनाया। ठीक, और इसके अंदर कुछ लिख दिया SOP हेलो। ठीक, ये बना दिया, बना। अब इसको बनाने में ये मेथड क्लोज हो गया, ये इंटरफेस क्लोज हो गया, ये मैंने टेस्ट बनाया, पब्लिक क्लास, क्लास टेस्ट, क्लास का हमेशा टी कैपिटल रखना, मन छोटा कर दे कोई दिक्कत ना। इम्प्लीमेंट्स जो मैंने ऊपर दिया TR इंटरफेस का नाम। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे डिक्लियर या फिर कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम कॉल करा सकते हैं इसके वेरिएबल से, इस ऑब्जेक्ट से। सो मेन मेथड, मेन लिखा, जो कि मेन होता, मेन मेथड लिखा। ठीक है, समथिंग समथिंग मेन मेथड, तो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने टेस्ट, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट ना, देन T.M1 मेथड, बस कॉल करा दिया और प्रिंट हो, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके हेलो। तो ये डिफॉल्ट मेथड है, इसी को मैं अभी एग्जांपल के तौर पर भी सीख बता देता हूँ।
ये मेरा इंटरफेस है, इसी इंटरफेस के अंदर हम बना लेते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज अवेलेबल, अब देखना कोई एरर नहीं है। वाइड m1 मेथड लाइक से हेलो मेथड, ठीक है से हेलो, और इसके अंदर सूट आउट हेलो, ठीक। आर्गुमेंट भी पास करते हैं, आर्गुमेंट भी बोलता हूँ पास करते हैं। अब मुझे इसकी जरूरत है नहीं, हटा देता है, ठीक है। राउंड ड्रा पढ़ाई दिया मैंने आपको, st.st. से हेलो अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो इम्प्लीमेंट्स लाइक ITR सब दिया ना, थोड़ा से हेलो आ गया, से हेलो रन कर लो, दिख रहा हेलो आ गया, यही मैं बता रहा था। और हाँ, अगर मैं डिफॉल्ट मेथड करूँ, ये देखते हैं दूसरा मेथड होगा डिफॉल्ट कि नहीं। डिफॉल्ट हेलो सेकंड, हेलो सेकंड हो गया, हेलो सेकंड भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। हेलो सेकंड हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको पास करा देंगे नेम। अब आएगा हेलो, सपोज मेरा नाम विवेक है, इसके बाद t. से हेलो सेकंड कॉल कराते हैं विद आर्ग्यूमेंट नेम लाइक, मैं पास कर दूंगा विवेक, ठीक है। पास करा विवेक, दोबारा रन करा, पहले हेलो आया फिर हेलो विवेक आया, दोनों चलिए। तो इसके मतलब एन नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड इसके अंदर डाल इंटरफेस के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट मेथड मैं बताया आपको पॉइंट यहाँ पर, ठीक। डिफॉल्ट मेथड इनसाइड द इंटरफेस, ये हो गया, हम डाल सकते हैं। और ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा क्योंकि अगर डिफॉल्ट मेथड के पास एन नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, एक इंटरफेस के पास एन नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसकी फंक्शन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब ना करते हुए एक नई फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए ही ये मेथड लगाएगा। डिफॉल्ट फंक्शनलिटी आई जावा हेटर, ठीक है। तो इससे वही हो रहा है, हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी नहीं हो रही है, एन नंबर ऑफ मेथड्स आप डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको कोई नई फंक्शनलिटी आपको ऐड करनी है, आपको वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, तो आप डायरेक्ट डालो उसको यूज कर लो, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। ठीक, तो इसी को बैकवर्ड कैपेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है इसी। उसके बाद एक चीज और मुझे बतानी थी, हाँ, ओवरराइड का। ओवरराइड सपोज आपने एक मेथड बनाया है यहाँ पर हेलो, उसके बाद एक और मैंने इंटरफेस बना दिया, ठीक। उसके बाद एक और इंटरफेस बना दिया मैंने, जैसे इनहेरिटेंस होता ना, तो मैंने बना दिया इंटरफेस सेकेंड सेकेंड, ठीक है बना दिया। ये मेरा सेकेंड इंटरफेस, इसमें डिफॉल्ट मेथड है मेरा लाइक वाइड सी मेथड था, सी हेलो सी हेलो, सॉरी से हेलो डाला सब आउट में हेलो, ठीक है। एक दो मेथड्स बना दिए मैंने, और इन दोनों जो दोनों इंटरफेस को है वो मैं यहाँ पे इसको कॉमा लगा के सेकेंड को डाल रहा हूँ, ठीक। डाल दिया, डाल दिया, देखो प्रॉब्लम दिया इसमें, क्या बोला, द टेस्ट इंटरफेस अनरिलेटेड डिफॉल्ट फॉर से हेलो फॉर द टाइप इंटर द सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं, ठीक, क्योंकि इसने एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम दे देगा, ये डायमंड प्रॉब्लम इसे बोलते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, कंपाइल टाइम का एरर दे देगा आपको, ठीक। इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ,
यहाँ पे आप डिफॉल्ट में डाल के आप पब्लिक वाइड सी हेलो मेथड सोल्ड और पाए डाल सिंपल। अब आपने कर दिया इसको ओवरराइड, जैसे ही आप से हेलो कॉल करोगे तो यहाँ पे वाई आएगा, अब विवेक टू को तो विवेक टू ही आएगा। ठीक है देखो भैया, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बताना था आपको। क्या ठीक है एक चीज हो रहेगी हमको बताना है यहाँ पे। सी हेलो अगर मेरे को ये वाला मेथड कॉल कराना, ये वाला तो हम कर सकते हैं क्या? पहले हम इंटरफेस का नाम है सेकेंड इंटर डॉट डॉट सुपर डॉट सेल डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखते हैं क्या एरर है, इसे बोला है इनको लोजिंग क्लास होनी चाहिए। ठीक है ऐसा नहीं होगा तो ये भी है, कर सकते हैं हम इसको। मैं बच्चों को कैसे करना है इसको। ठीक है तो यहाँ तक सही है। उसके बाद एक चीज हो रहा है, हम जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है ना, ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं डिफॉल्ट मेथड के साथ। सपोज मेरे पास हैश कोड है, वैल्यू मेथड है, 11-12 मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास में, उनको चाहूंगा तो ओवरराइड नहीं हो। दिखाता हूँ जैसे डिफॉल्ट वाइड हैश एंड हैश कोड, थिंक यही मेथड है हैश कोड सब रिटर्न। और कुछ भी कर दो रिटर्न टर्न, ये देगा एरर क्योंकि एक डिफॉल्ट मेथड हैश कोड ओवरराइड इन मेंबर इन जावा डॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्लास का है ना तो वो सबके लिए है, नॉट फॉर द स्पेसिफिक, इसीलिए दिस इज द रीजन, नहीं कोई कर सकता इसको। ठीक है तो बाई डिफॉल्ट इज अवेलेबल फॉर द एवरी वन, दैट वन वी कैन नॉट ओवर राइट ऑब्जेक्ट क्लास मैथड्स इन बाई यूजिंग डिफॉल्ट की वर्ड्स। सो दिस इज डिफॉल्ट मैथड एंड सम डिफरेंसेज, इफ यू वॉन्ट देन यू कैन ऑल्सो रिपीट दी वीडियोज, सो यू कैन हेयर फाइंड दैट डिफॉल्ट मैथड्स डिफरेंसेज इंटरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस में डिफरेंसेस भी हो तो उनकी जरूरत नहीं है हमें। उसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, डिफॉल्ट मेथड खत्म, बस इतना सा है डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैटिक मेथड के साथ जो कि इंटरफेस में ही होता है। थैंक यू।